यह एक बात करो, आपका किसी से झगड़ा होगा नहीं। यह टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्या कि हमारे रोज के जीवन में, हमारे रिश्तों में कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है और फिर उससे हमारे संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। बातचीत बंद करते हैं, लोग उधर से आए हम इधर से आएंगे, देखेंगे नहीं, हेलो हाय करेंगे नहीं। मन में जो है एक उसके बारे में ऐसा ग्रह हो जाता है कि नहीं भाई ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा सोचता नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें होती रहती है। तो मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, यदि बात अपना दे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा और आपका किसी से भी संबंध खराब नहीं होगा। तो मैं आइए बताता हूँ आपको। समझो आपका एक दोस्त है और वो दोस्त ने आपको बताया कि देखो मैंने 2 शर्ट लाए, बहुत ही बढ़िया शर्ट, और आपको लगा है बहुत महंगे शर्ट होंगे। आप उसको पूछते हैं, बोलते हैं नहीं सिर्फ मैंने 150 रुपये में 2 खरीद लिए। 150 रुपये में 2 शर्ट खरीद लिए? हाँ, बोले वहाँ एक सेल लगा हुआ था, मैं उस सेल पे गया था, वहाँ सेल था और वहाँ मेरे को ये 150 में 2 शर्ट मिली। तो फिर आपको ऐसा लग सकता है कि देखो इसने है ना इतना सेल्फिशनेस किया, बहुत ही बेकार आदमी है ये, कि अपना ही सिर्फ देखता है, इसने मुझे बोला नहीं, मैं भी जाता था, मैं भी सेल में जाता था और लाता था, अब सेल तो बंद हो गया, ऐसा कैसा हो गया। और ये ऐसा ही हरदम करता है, पिछले बार भी ऐसा किया था, इस बार भी ऐसा किया, ये मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, ये मुझे मदद करता नहीं है, और उसके बारे में अपने दिमाग में ऐसा चालू हो जाता है। तो फिर ये जो है ये हमको इसके ऊपर गौर से देखना चाहिए। तो उसने एक कृति किया कि जो कृति आपको अच्छी नहीं लगी, जो कृति आपको लगता है कि वो फायदे की आपको नहीं रही, आपके लिए फायदे की नहीं, उसको फायदे की होंगे, वैसा आपका कोई नुकसान डायरेक्टली हुआ नहीं। एक बात उसने ऐसा किया तो क्या वो बुरा आदमी हो गया? एक बार उसने ऐसा किया कि उसने सेल लगा था, कपड़ा खरीद लिया, आपको बुलाया नहीं, इसका मतलब क्या अच्छा आदमी नहीं हो? वो सेल्फिश है इसका मतलब? तो हमने ये यहाँ हमको करेक्ट करना चाहिए कि उसकी कृति जो है वो गलत है, वो आदमी गलत नहीं है, आदमी अच्छा है। हाँ उससे कुछ गलती हो गई, उसने बुलाया नहीं, पर हमें भी जानना जरूरी है कि उसने क्यों नहीं बुलाया, क्या कारण था, भूल गया, मार्केट में गया था, सेल लग गया, देख लिया, ले लिया, मतलब कारण क्या है? हमने तो उसके मतलब उसके बारे में तो दिमाग में बिठा दिया कि नहीं नहीं तो सेल्फिश ही है ना, तो मेरा द्वेष करता है, मत्सर करता है, अच्छा आदमी ने ऐसा बना लिया। तो ये हमने डालना चाहिए नंबर एक। उसमें नंबर दो देखना है मुझे, आपको बताना है कि फिर हम क्या करते हैं कि बाद में जब वो सेकंड टाइम मुझे मिलता है तो मैं क्या दिमाग में बोलता हूँ, देखो ये सेल्फिश आ गया, देखो ये अपने चाहता है, मतलब हम उसको पास से रिलेट करते हैं, हमेशा के लिए वो मौजूद रहता है एक विचार उसके बारे में, और वो विचार जो है वो है कि नहीं ये बहुत सेल्फिश आदमी है, ये अपना ही खुद का देखता है, ये मुझे चाहता नहीं है, मुझे भूल जाता है, ऐसा आदमी मेरे सामने आ गया। अभी मैं उसको वहां से रिलेट करता हूँ और वहां से उसके साथ में बर्ताव करता हूँ। तो हमको क्या करना है कि पास से किसी को मत सुनो, भूतकाल मत लाओ। भूतकाल यदि आप लाते हैं तो उसमें नुकसान आपका ही हो जाता है, तो भूतकाल लाने का नहीं है, पास से लोगों को सुनना नहीं है, और उसकी कृति जो है वो ठीक नहीं है, वो आदमी ठीक है, आदमी से गलती हो सकती है। ये दो बातें आप दिमाग में लाते हैं तो डेफिनेटली आप उससे फिर से बात करना चालू करेंगे, उसको आप लेबल नहीं लगाएंगे कि ऐसा आदमी है, ऐसा लेबल नहीं लगाएंगे, और आपके रिश्तों में बहुत ही मधुरता आएगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप
टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।